दुमका पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शिकारीपाड़ा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरी हुई हाइवा को बरामद किया और इस घटना में शामिल 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। बताते चले कि 8 अगस्त की रात शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के मझला डी पत्थर खदान से विनोद कुमार भगत की हाइवा चोरी हो गई थी, जिसको लेकर विनोद भगत ने थाने में शिकायत भी दर्ज करवाया था। इसके बाद पुलिस ने एक टीम गठित कर छानबीन शुरू की। पुलिस ने जांच में हाइवा के चालक आलम अंसारी को धर दबोचा और उसके निशानदेही पर उसके अन्य साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खैरवार ने बताया कि अपराधी चोरी की हुई गाड़ियों को बंगाल ले जाकर बेचा करता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में और भी अपराधी शामिल है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। 9 तारीख के रात को विनोद प्रसाद भगत जो है उनका हाइवा सरस डंगाल शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र से चोरी हो गया, वैसा सूचना दिया गया तो तुरंत जो है उस पर FIR दर्ज किया गया और एक टीम का गठन किया गया SDPO साहब के नेतृत्व में, थाना प्रभारी और वहां पर दरोगा है पंकज कुमार, मनोज करमाली और अन्य जो है उनका एक टीम बनाया गया कि इसका सफल उद्भेदन किया जाए। तो गंभीर मामला है, हाईवा बड़ा गाड़ी चोरी हो गया है तो संदेह हुआ उसके ड्राइवर पर, तो ड्राइवर को खोज के फिर कड़ाई से पूछताछ किया गया तो अपना स्वीकार किया कि हम लोग हाईवा को जो है 2-3 लोग मिल के इसको खपाने के लिए, इसको कटिंग करने के लिए कहीं है, तो उसके निशानदेही से फिर रात में ही हम लोग जो है हाईवा को बरामद किए हैं। और भी एक तथ्य आया है कि इससे पहले भी एक बार जो है कि हाइवा का चोरी हुआ था 5वां महीना में, उसमें भी जो है ये लोग का संलिप्तता आया है, स्वीकार किया है। इस प्रकार ये लोग आदतन जो है कि हाइवा को चोरी करके नज़दीकी जो बंगाल में पड़ता है जिला, वहाँ पर कुछ लोगों से तालमेल करके उसको काट करके बेचने का काम शुरू किए थे। इस प्रकार ये तो आने वाला समय में और भी घटना होता, लेकिन उद्भेदन हो गया है, अब इस पर अब लगाम लगेगा। चोरी कर करके ये लोग कटिंग का काम करते हैं। सर, क्या ये जीरो के रूप में कार्य करते हैं क्या? ये दूसरी घटना है इनका, उसके बाद हो सकता है नहीं पकड़े जाते तो इस तरह का और लगातार काम करते रहते, लेकिन दुमका पुलिस के द्वारा एक यूनिट के रूप में, एक टीम के रूप में काम करके इसका 24 घंटे के अंदर एक सफल उद्भेदन किए और भविष्य में इन लोग को हम लोग एक टारगेट में रख लें कि अभी लोग पर क्लोज मॉनिटरिंग रखेंगे और इनका एक साथी एक फरार है, उसको भी हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। सर, ये जो रिसीवर है वो पश्चिम बंगाल का है, तो क्या हम लोगों ने पिछला केस जो है 41-23 जो शिकारीपाड़ा में, उसमें रिसीवर को हम लोग जेल भेजे हैं, लेकिन इसका जो है कि उस रिसीवर तक पहुँचा नहीं था तो ये लोग यहीं पर चोरी के बाद खपाने के क्रम में ही पकड़े गए हैं। अगर उन लोग का शामिल आता है कि संलिप्त आता है कि उन लोग का पूर्व से सहयोग है तो देखते हैं अनुसंधान में जो आएगा हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। लाइव इंडिया हरपल के लिए दुमका से राजेश प्रकाश की रिपोर्ट।